नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम 10 मूल अरिष्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इसे उचित मात्रा में सेवन करने से धातु क्षय, खांसी, श्वास, बवासीर, उदर रोग, प्रमेह, अरुचि, पांडु, सभी प्रकार की बात व्याधियां, शूल, श्वास, बमन, प्रदर, कुष्ठ, भगंदर, मूत्र क्रच्छु, अम्ल पित्त, प्रसूत रोग, गर्भाशय की अशुद्धि, अग्निमांद, कामला, श्वेत प्रदर आदि रोग नष्ट होते हैं। इसका उपयोग बात और कफ जन्य रोगों में विशेष होता है। दसमूलारिष्ट में दसमूल का सम्मिश्रण अधिक प्रमाण में है। इसमें अनेक वनस्पतियां ऐसी मिली हुई हैं जिनसे जीवनीय शक्ति की भी वृद्धि होती है। कस्तूरी आदि बहुमूल्य सुगंधित, रुचिकर और पौष्टिक अनेक द्रव्यों के संयोग से यह स्वादिष्ट, जायकेदार और विशेष गुणदायक है। शक्ति को कम करने वाली संग्रहणी, धातु विकार और प्रसूत रोग में अनेक प्रकार के बातजन्य दर्द एवं ज्वरादि उपद्रवों को यह दूर करता है। धातु क्षीणता मिटकर शक्ति बढ़ती है, शरीर कांतिमान बन जाता है, वीर्य की वृद्धि होती है। क्षय के विकार में यह और कार्ड लिवर ऑयल संभाग या कुछ कम ज्यादा मिलाकर देने से अच्छा लाभ होता है। इनमें कस्तूरी आदि सुगंधित और अनेक मीठी दवाइयां के सम्मिश्रण होने से बच्चे भी इसे अच्छी तरह पी जाते हैं और स्त्रियां तो बड़ी खुशी से इसे पीती हैं। इससे बहुत शीघ्र स्त्रियों का बल बढ़ता है तथा वे स्वस्थ हो जाती हैं। दसमूलारिष्ट प्रसूता स्त्रियों के लिए अमृत है, यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रसूता स्त्रियों को प्रसूत गृह में या उससे निकलने के बाद जो अग्निमांद, खांसी, ज्वर आदि उपद्रव होते हैं, वे सब इसके सेवन से नष्ट हो जाते हैं। रक्त स्त्राव के कारण आई हुई कमजोरी और निर्बलता इससे दूर हो जाती है। इसके सेवन से बच्चे को भी दूध ज्यादा मिलता है। यदि बच्चा पैदा होने के बाद से ही कुछ रोज तक प्रसूता को इसका सेवन कराया जाए तो प्रसूता को किसी तरह की तकलीफ ही नहीं हो सकती है। दसमूलारिष्ट पौष्टिक भी है, अतएव जिन स्त्रियों का गर्भाशय गर्भधारण करने में असमर्थ हो अथवा जिन्हें गर्भस्राव या गर्भपात की शिकायत हो, उन्हें यह अरिष्ट बहुत गुण करता है, क्योंकि इसमें जीवन शक्ति बढ़ाने एवं शरीर को पुष्ट करने वाली अनेक दवाइयों का सम्मिश्रण होने से यह गर्भाशय की कमजोरी को दूर कर संतान उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रसूता स्त्री को यदि दूध कम मात्रा में उतरता हो तो 1 तोला शतावरी को जौ कुट कर 20 तोला पानी में उबाल लें। जब 5 तोला पानी शेष रहे तब उसमें 1 तोला दसमूलारिष्ट पिलाकर सुबह शाम मिलाकर देने से दूध बढ़ जाता है, परंतु प्रसूता को पथ्य से ही रहना चाहिए। बातजन्य खांसी में खांसी का एक प्रकार का दौरा होता है। यह दौरा जब शुरू होता है तो रोगी खांसते खांसते बेचैन हो जाता है, पेट की नसें दुखने लगती हैं, मुंह की नसें फूल जाती हैं और सुर्ख हो जाती हैं। यदि रोगी कमजोर रहा तो बेहोश भी हो जाता है। दौरा लगातार 10-15 मिनट तक रहता है। कुछ कफ का खंड निकल जाने पर कुछ देर के लिए खांसी शांत हो जाती है। ऐसी हालत में दसमूलारिष्ट थोड़ी थोड़ी मात्रा में जल मिलाकर दिन भर में 3-4 बार देते रहने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि यह प्रकोपित वायु को शांत कर कफ को ढीला कर बाहर निकालता है और श्वास नली को साफ करता है, जिससे खांसी का वेग रुक जाता है और रोगी क्रमशः अच्छा हो जाता है। दसमूलारिष्ट दसमूल, शालिपर्णी, प्रश्निपर्णी, बड़ी और छोटी कटेरी,
गोखरू, बेल, गंभारी, सोनापाठा, पाटला, अरणी, चित्रकमूल, पुष्करमूल, गिलोय, लोध, आंवला, जवासा, खैर का सार या छाल, विजयसार और हर्रे, कूठ, मजीठ, देवदारू, वायविड़ंग, मुलेठी, भारंगी, कैथ का गूदा, बहेड़ा, पुनर्नवा, चब्य, जटामासी, फूल प्रियंगू, सारेबा, कालाजीरा, निशोथ, रेणुका, रासना, पीपल, सुपारी, कचूर, हल्दी, सोया, पद्माख, नागकेशर, नागरमोथा, इंदरजो, कांकड़ा सिंगी, जीवक, रिसवक, विदारीकंद, महामैदा, शतावरी, काकोली, असगंध, रिद्धि वृद्धि, वराहीकंद आदि के साथ धाई के फूल, कंकोल, सुगंध वाला यानी खस, सफेद चंदन, जायफल, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, तेजपात, नागकेशर, पीपल, कस्तूरी आदि के मिश्रण से संधान करके बनाया जाता है। दसमूलारिष्ट 10 से 20 ml तक बराबर पानी के साथ मिलाकर प्रयोग करने से भोजन के बाद सुबह शाम उपयोग करने से अत्यंत लाभ करता है। दसमूलारिष्ट वैद्यनाथ, डाबर, दूधपावेश्वर, जीवा आदि ब्रांडों में उपलब्ध है, जो कि आप अपने नजदीकी आयुर्वेदिक मेडिकल एवं ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं।